हेलो दोस्तों, माइस्ट्री नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अमेरिका की क्रांति का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिकी क्रांति उपनिवेशों तथा ग्रेट ब्रिटेन में नई विचारधाराओं के विकास के कारण हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में अपने कुछ उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधीनता की स्थिति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी ओर 1763 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई जिनका लक्ष्य उपनिवेशों पर पहले की अपेक्षा अधिक कड़ा नियंत्रण स्थापित करना था। 18वीं सदी के मध्यकाल में उपनिवेशों ने जो उन्नति की थी उसने अमेरिका के मन में आत्मविश्वास की भावना पैदा की। अनेक अमरीकी यह समझने लगे कि वह अपनी जीवन शैली का विकास कर सकते हैं और अपनी नियति का स्वयं संचालन कर सकते हैं। शुरुआत में अमेरिका ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध समाप्त करना नहीं चाहता था। वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत बने रहना चाहते थे, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे कुछ लोग स्वशासन का स्वप्न देखने लगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, जहाँ से ब्रिटेन जो है व्यापार करता था और अमेरिका के प्राकृतिक संसाधन थे उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन आगे चलकर ब्रिटेन ने जो है अमेरिका के ऊपर कुछ नए नए संधियां थोपी, यानी कि नए नए कर लगाए, जिसको लेकर अमेरिका वासियों में जो है क्रोध बढ़ने लगा। और ये दौर भी ऐसा था जब आसपास के जो उपनिवेश थे, जो देश थे, इस समय काफ़ी उन्नति कर रहे थे। वो मतलब कि अब किसी देश के अधीन नहीं रह रहे थे। तो यही सब जो भावना थी वो अमेरिका में भी आने लगी, जिसके चलते लोगों ने प्रेरित होकर ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति शुरू की। कुछ महत्वाकांक्षी लोग इस नई भावना से प्रभावित होने लगे, जैसे दक्षिण उपनिवेशों के बगान मालिक ब्रिटिश व्यापारियों के ऋण से छुटकारा पाना चाहते थे। उत्तरी उपनिवेशों के व्यापारी समझते थे कि ब्रिटिश सरकार के कानून के कारण वे व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच शहरों के कारीगर और किसान अधिक आर्थिक अवसरों और राजनीतिक अधिकारों की मांग करने लगे। वे उपनिवेशों के सत्तारूढ़ वर्गों के विशेष अधिकारों का अंत करना और अधिक आर्थिक तथा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। तो दोस्तों, इस भावना के चलते जो अमेरिकी लोग थे वो जो है जो टैक्स लागू किया गया था उनके ऊपर वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। साथ में जो कुछ कारीगर थे, किसान थे, वो चाहते थे कि अब उन्हें आर्थिक आज़ादी मिले, मतलब राजनीतिक में भी उनको कुछ अधिकार मिले। उपनिवेशों पर ब्रिटिश सरकार अपना शिकंजा मजबूत करना चाहती थी, किंतु अमरीकी व्यापारी सरकार द्वारा आरोपित प्रतिबंधों का उल्लंघन करते थे और शत्रुओं के साथ चोरी छिपे व्यापार करते थे। इस तस्करी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने सीमा शुल्क अधिकारियों को खोज वारंट प्रदान किया। इन वारंटों के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारी जहाजों तथा गोदामों की तलाशी ले सकते थे। अमेरिकियों ने इसका विरोध किया। बोस्टन के वकील जेम्स ओटिस ने इस वारंट को गैर कानूनी बताया। तो दोस्तों, अमरीकी व्यापारी किसी और देश से व्यापार न करे, उसी लिए ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर कुछ सख्त कानून और प्रतिबंध लगा रखे थे। इसके बावजूद भी जो अमरीकी थे वो चोरी छुपे व्यापार करते थे। तो जब इसके बारे में ब्रिटिश सरकार को पता चला तो उन्होंने एक वारंट जारी कर दिया, जिसकी वजह से जो एक ब्रिटिश अधिकारी होता था वो उनके जहाज़ों की और गोदामों की तलाशी ले सकता था। तो इसके खिलाफ जो है एक अमरीकी वकील ने जो है इस वारंट को बिल्कुल ही गैरकानूनी बताया, जिसका नाम जेम्स ओटिस था, क्योंकि अमरीका के लोगों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया था। अपलेशियन पर्वतमाला के पार जिन क्षेत्रों से ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को खदेड़ा था, वहां 1763 में ब्रिटिश सरकार ने एक बयान जारी किया जिसके द्वारा कोई भी उन क्षेत्रों में बस्ती नहीं बसा सकता था। अधिकारियों ने मूल निवासियों के साथ कई संधियां की जिसमें तय हुआ कि इस इलाके में गोरे लोगों की बस्तियां बसाई जाएंगी। अमरीकियों को ब्रिटिश सरकार का यह रवैया अच्छा नहीं लगा। 1774 में ब्रिटिश सरकार ने क्यूबेक एक्ट पास किया। इस एक्ट के अनुसार ओहियो खाड़ी के उत्तर की सारी जमीन क्यूबेक प्रांत में शामिल कर ली गई और अमरीकियों का उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। तो दोस्तों, अपलेशियन पर्वतमाला जहाँ से ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों को भगाया था, उसके लिए ब्रिटिश ने वहाँ के मूल निवासियों से एक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया, जिसके चलते ये हुआ कि वहाँ पर उस जगह खाली जो जगह थी वहाँ पर अब केवल गोरे लोग ही बस सकते थे। इसके बाद 1774 में एक क्यूबेक एक्ट पास हुआ जिसके अंतर्गत अमरीका के कुछ क्षेत्रों को क्यूबेक प्रांत में मिला लिया गया और उस प्रांत के ऊपर से ये हुआ कि अब जो वो जमीन थी उसके ऊपर से अमेरिकियों का सारा अधिकार हट गया, मतलब उसके ऊपर वो कोई अधिकार नहीं कर सकते थे। 1763 में ब्रिटिश सरकार ने उत्तर अमेरिका में 10,000 सैनिक रखने का निर्णय लिया। यह सेना मूल निवासियों के हमले से उपनिवेशों की रक्षा करती थी।
चूंकि यह सेना उपनिवेशों की रक्षा के लिए तैनात की गई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि इसके रख रखाव का खर्च उपनिवेशी दे। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जॉर्ज ग्रेनविल था। दोस्तों 1763 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि उन्होंने उत्तरी अमेरिका में अपने 10,000 सैनिक भेज दिए ताकि वो अपने उपनिवेशों की रक्षा कर सके। साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि जो उन सैनिकों का रख रखाव में जो खर्चा आता था वो भी वो उन उपनिवेशों से ही लेते थे। इन्हीं चीज़ों के चलते जो है अमेरिका वासियों में ब्रिटिशियों के लिए क्रोध उत्पन्न होने लगा। अमेरिकी व्यापारियों ने 1773 के सीरा एक्ट का लगातार उल्लंघन किया। इस एक्ट के अनुसार फ्रांस, स्पेन और वेस्ट इंडीज से जो सीरा खरीदा जाता था उस पर प्रति गैलन 6 पैसे का शुल्क देना पड़ता था। इस एक्ट का उद्देश्य अमेरिकी व्यापारियों को इस बात के लिए विवश करना था कि वे ब्रिटिश बागान मालिकों से ही सीरा खरीदें। फ्रांस और स्पेन से व्यापार करना अमेरिकी व्यापारियों के लिए काफ़ी लाभदायक था। तो दोस्तों 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक सीरा एक्ट पास किया जिसके अंतर्गत जो अमेरिकन थे वो फ्रांस, स्पेन और वेस्ट इंडीज से सीरा का व्यापार करते थे, तो अब इसके ऊपर 6 पैसे प्रति गैलन शुल्क लगा दिया गया ताकि जो अमेरिकी व्यापारी थे वो अपना सीरा ब्रिटिश बागान मालिकों से खरीदे। लेकिन जो अमेरिकी थे उनको फ्रांस, स्पेन और वेस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने में ज़्यादा मुनाफा होता था, इसलिए उनके मन में असंतोष उत्पन्न होने लगा। 1764 में ग्रेनविल ने शुगर एक्ट पास किया। इस एक्ट के फलस्वरूप विदेशी शीरे पर शुल्क 6 पैसे से घटाकर 3 पैसे कर दिए गए, लेकिन कुछ और आयातों पर शुल्क लगाए गए। 1765 में स्टैम्प एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के अनुसार समाचार पत्रों तथा कानूनी और व्यापारिक दस्तावेजों पर शुल्क देना अनिवार्य हो गया। इस एक्ट का उद्देश्य अमेरिका में नियुक्त की गई सेना पर होने वाले खर्च का भुगतान वसूल करना था। जब स्टैम्प एक्ट का समाचार उपनिवेश में पहुंचा, सभी अमरीकी नाराज हो गए। उनकी राय में अमरीका में ब्रिटिश फौज का रखना जरूरी नहीं था। अमरीकियों की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी, इससे और बिगड़ गई। तो दोस्तों 1764 में जो सीरा एक्ट पे जो कर लगाया गया था उसको कम कर दिया गया, लेकिन 1765 में एक स्टैम्प एक्ट जो है लागू किया गया जिसके चलते जो समाचार पत्र थे, कानूनी व्यापारिक दस्तावेज जो होते थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो अमेरिका में ब्रिटिश सैनिक थे उनके रख रखाव का खर्चा निकल सके। लेकिन जब ये खबर अमेरिका में पहुंची तो वहाँ के लोग बहुत नाराज हो गए, क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका में ब्रिटिश फौज को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विरोध का स्वर सबसे पहले वर्जीनिया में उठा। अनेक उपनिवेशों के विधानमंडलों ने इन कानूनों के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया। 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने अक्टूबर 1765 में न्यूयॉर्क में एक सभा की और एक सामूहिक विरोध पत्र तैयार किया। अमरीकियों के लिए शुल्क एकत्रित करना मुश्किल हो गया। बोस्टन में जनता ने मुख्य न्यायाधीश थॉमस हचिंसन के बंगले को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने अपने आप को स्वतंत्रता का पुत्र कहा। दोस्तों अब अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कदम उठाना चालू कर दिया था, जिसकी शुरुआत वर्जीनिया से हुई। अब जो है 9 उपनिवेशों ने जो है मिलकर 1765 में एक सभा की और विरोध पत्र तैयार किया। तो इसी दौरान बोस्टन में जनता ने एक न्यायाधीश का घर जला दिया और जिन्होंने जलाया था उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता का पुत्र कहा। अमेरिकियों ने स्टैम्प एक्ट के विरोध में ब्रिटिश सामान का आयात बंद कर दिया। ब्रिटिश व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा और उन्होंने सरकार से झुक जाने की प्रार्थना की। इस बीच ग्रेनविल की जगह मार्क्विस ऑफ रॉकिंगम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना। 1766 में रॉकिंगम ने स्टैम्प एक्ट समाप्त कर दिया और सीरा का शुल्क घटाकर 1 पैनी कर दिया। एक और अधिनियम लागू किया जिसमें उपनिवेशों के ऊपर संसद की सर्वोच्च सत्ता की पुष्टि की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री अर्ल ऑफ चैथम बने, जिसके वित्त मंत्री टाउनशेड ने उपनिवेशों की आयातों पर अनेक शुल्क लगा दिए। उन्होंने साथ में न्यूयॉर्क के विधानमंडल को भी स्थगित कर दिया। तो दोस्तों इसके विरोध में जो अमरीकी व्यापारी थे उन्होंने ब्रिटिश सामान का आयात बंद कर दिया, जिसके चलते ब्रिटिश व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। तभी जो है नए प्रधानमंत्री रॉकिंगम ने 1766 में स्टैम्प एक्ट को समाप्त कर दिया और जो सीरा शुल्क था उसको घटाकर और कम कर दिया। लेकिन जब अर्ल ऑफ चैथम प्रधानमंत्री बने तो उनके एक वित्त मंत्री थे जिन्होंने उपनिवेशों के आयातों पर शुल्क को बढ़ा दिया और साथ ही साथ जो न्यूयॉर्क की विधानमंडल थी उसको भी स्थगित कर दिया, जिससे कि ग्रेनविल के समय में की गई व्यवस्था जो थी बिल्कुल ही समाप्त हो गई। उपनिवेशों ने ब्रिटिश सामान का आयात बंद करने का आपस में करार किया। 1768 में ब्रिटिश सेना के 2 रेजिमेंट तस्करी रोकने के लिए बोस्टन में तैनात की गई। क्रांतिकारियों ने लोगों को इन सैनिकों के विरुद्ध भड़काया।
5 मार्च 1770 को सैनिकों ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें 4-5 व्यक्ति मारे गए। गवर्नर ने शांति से काम लिया और सैनिकों को शहर से हटा लिया और शुल्कों को भी रद्द कर दिया। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने तस्करी रोकने के लिए 1769 में अपने सैनिकों को बोस्टन में तैनात कर दिया। इसके खिलाफ क्रांतिकारियों ने जो है कार्रवाई करनी चालू कर दी, मतलब उन्होंने लोगों को उन सैनिकों के खिलाफ भड़काया। तो इसी की वजह से 5 मार्च 1770 को सैनिकों ने जो है भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें 4-5 लोग मारे गए। तो इसी घटना को जो है शांत करने के लिए गवर्नर ने शांति से काम लिया और जो शुल्क थे उसको भी हटा दिया, और साथ साथ जो बोस्टन में जो सैनिक थे उसको भी वहाँ से हटा लिया। अमेरिका के नेताओं ने समझ लिया था कि अमेरिका की बुनियादी समस्या हल नहीं हुई थी। इन नेताओं ने आगे के संकट का सामना करने की तैयारी शुरू कर दी। सैम एडम्स, जो एक अमेरिकी नेता थे, ने अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार और मैनचेस्टर के गवर्नर पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकियों की स्वतंत्रता पर आघात कर रहे हैं। 1772 में एडम्स और उनके सहयोगियों ने मैनचेस्टर में आंदोलन करने के लिए समितियां स्थापित की। अन्य उपनिवेशों के नेताओं ने भी अपने अपने यहाँ इसी तरह के संगठन स्थापित किए। इस प्रक्रिया में उपनिवेश राजनीतिक संगठन का आकार ग्रहण करने लगे। तो दोस्तों, अमेरिकी अब समझ चुके थे कि जो ब्रिटेन है वो उनकी बुनियादी समस्याओं का हल नहीं करना चाहता था। इस दौरान कुछ अमेरिकी नेताओं ने आगे की ओर कदम बढ़ाया, जैसे सैम एडम्स। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और मैनचेस्टर का जो गवर्नर था उस पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका की स्वतंत्रता नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने 1772 में मैनचेस्टर में कई आंदोलनकारी समितियों की स्थापना की, जिसके चलते जो बाकी उपनिवेश थे उन्होंने भी अपने यहाँ कई संगठन स्थापित किए। इसकी वजह से जो उपनिवेश थे अब वहाँ पर राजनीतिक संगठन जो था एक आकार लेने लगा। 1772 में ब्रिटिश सरकार ने एक और भयंकर भूल की। ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक संकट में थी। कंपनी के पास फालतू चाय बड़ी मात्रा में बची थी। लॉर्ड नॉर्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अमेरिकी उपनिवेश में मध्यस्थों के बिना ही चाय का सीधा निर्यात करने के विशेषाधिकार दिलाए। अमेरिकियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय का परित्याग किया और चाय को जहाजों पर से उतरने नहीं दिया। तो दोस्तों, 1772 में एक और घटना घटी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में थी और जिसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिना मध्यस्थ के द्वारा अपनी चायों को अमेरिका में बेचने की कोशिश की, लेकिन इसके विरुद्ध अमेरिकी वासियों ने जो है उस चाय का त्याग दिया और उस चाय को जो है जहाज से नीचे भी नहीं उतरने दिया। बदले में ब्रिटिश सरकार ने 1744 में कुछ अधिनियम पास किए, जिसके अनुसार बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया और क्यूबेक एक्ट को दोबारा पास कर दिया गया। अमेरिकियों ने विधानमंडल की सभा बुलाई, जिसमें महाद्वीपीय कांग्रेस के दो गुट बट गए। एक तरफ क्रांतिकारी दल था जो ब्रिटिश सरकार से मुकाबला करना चाहते थे, दूसरा दल ब्रिटिश सरकार से कुछ समझौता करना चाहता था। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें अमेरिकियों को ब्रिटिश अधिनियम का पालन करने से मना कर दिया। अमेरिकियों ने जॉन हैनकॉक के नेतृत्व में एक सुरक्षा समिति बनाई। इस समिति से कहा गया कि वह ब्रिटिश सैनिकों का मुकाबला करने की तैयारी करे। तो दोस्तों, अमेरिकियों ने जो उनकी चाय का त्याग किया था उसके जवाब में ब्रिटिश सरकार ने 1744 में एक अधिनियम पास किया, जिसमें बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया और क्यूबेक एक्ट को दोबारा पास कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसके विरोध में अमेरिकियों ने भी कार्रवाई की। उन्होंने अपने विधानमंडल की बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के दो गुट बट गए। एक गुट चाहता था कि वह ब्रिटिश अधिकारियों का और उनकी सेनाओं का मुकाबला करे, जबकि दूसरा गुट ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहता था। तभी कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उसने अमेरिकियों को ब्रिटिश अधिनियम का पालन करने से मना कर दिया और आगे चलकर एक सुरक्षा समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सैनिकों से कैसे मुकाबला किया जाए उसकी तैयारी करना। क्रांतिकारियों ने कनकड में ब्रिटिश सैनिकों का मुकाबला करने के लिए गोला बारूद जमा कर लिया था। ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन से सेना भेजकर इन गोला बारूद को नष्ट कर दिया। जब यह सेना वापस लौट रही थी तब अमेरिकी सेना ने उन पर पीछे से हमला किया और 200 सैनिकों को मार डाला। इसके बाद 20,000 अमेरिकी कैम्ब्रिज में एकत्रित हो गए और ब्रिटिश सेना बोस्टन में चारों ओर से घिर गई। तो दोस्तों, अब क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सेना के लिए गोला बारूद जमा कर लिया था, लेकिन वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन में अपनी सेना भेजकर उनके गोला बारूद को नष्ट कर दिया। लेकिन जब वो लौट रहे थे तभी पीछे से अमेरिकियों ने हमला कर दिया और लगभग उनके 200 सैनिकों को मार डाला। और इसी बीच जो अमेरिका वासी थे उन्होंने ब्रिटिश सेना को बोस्टन में चारों ओर से घेर लिया। 1766 में फिलाडेल्फिया में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई। इसमें कांग्रेस ने युद्ध का संचालन करने और केंद्रीय शासन की जिम्मेदारियां उठाने का वादा किया।
15 जून जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। युद्ध शुरू होते ही उपनिवेशों से अंग्रेजों की सत्ता समाप्त हो गई। उपनिवेशों में एक नया क्रांतिकारी शासन तंत्र अस्तित्व में आया। 1775 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है। इसका निष्कर्ष निकला कि उपनिवेश आज़ाद हो गए हैं। तो दोस्तों 1766 में कांग्रेस की दूसरी बैठक हुई, जिसमें युद्ध का संचालन जो है अब कांग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया। और उसी समय एक सेना तैयार की गई जिसका नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। और इन्हीं सब गतिविधियों के चलते अमेरिका में एक शासन तंत्र उभर कर आया। तभी 1775 में ब्रिटेन ने अमेरिका में यानी उपनिवेशों में विद्रोह की घोषणा कर दी, जिसका निष्कर्ष यह निकला कि उपनिवेश अब आज़ाद हो गए हैं। क्रांतिकारियों द्वारा उठाए गए कदम ने देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। लोगों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए अधिनियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। क्रांतिकारी नेताओं के नेतृत्व में लोगों ने सरकार के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दिया। अमेरिकी व्यापारी दूसरे देशों से व्यापार करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसे देखने के लिए आपका शुक्रिया।